माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, सभी शाइनिंग लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को बहुत सिंपल फेस पैक के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे स्किन को टैन होने से प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज नाउ दिस इज समर एंड सन इज वेरी स्ट्रांग एंड हम लोगों को एवरीडे बाहर जाना ही है, दैट वी कैनॉट अवॉइड। एज ए रिजल्ट हमारा स्किन टैन हो जाता है। तो एक सिंपल फेस पैक जो हमारे स्किन को टैन होने से प्रोटेक्ट करेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बेसन जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल है, तो अराउंड 1 स्पून फुल बेसन ले लीजिए इस तरह से, यस। एंड देन टू दिस ऐड टोमेटो प्यूरे। ये देखिए, ये टोमेटो प्यूरे है, और एकदम अगर रेड राइप टोमेटो होना तो दैट वुड बी बेटर। तो करीब 1 चम्मच टोमेटो प्यूरे थोड़ी सी और ले लीजिए, सो दैट एक फाइन पेस्ट बन जाए लाइक दिस। एंड देन टू दिस ऐड लिटिल बिट टर्मरिक, हल्दी, अराउंड 1/2 टीस्पून हल्दी दे दीजिए, यस। एंड देन टू दिस सोल्यूशन लिटिल बिट कर्ड, यू नो कर्ड वेरी नेचुरल, बहुत कम देना है कर्ड, थोड़ी सी देना है, लिक्विड कर्ड देना है। अगर बहुत थिक कर्ड है ना तो आप उसमें थोड़ी सी पानी डाल करके डाइल्यूट कर लीजिए, यस, दिस इज इट। और इसे अब मिला करके एक फाइन पेस्ट बनाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से ये बन गई, एक फाइन पेस्ट बन गई है। बहुत थिन नहीं बनाना है, बहुत थिक नहीं बनाना है, थोड़ी सी मीडियम पेस्ट होनी चाहिए। एंड इसे नाउ फेस पैक इज नाउ रेडी, एंड इसे अब अपने क्लीन चेहरे में लगाना है। तो ये हम हटा देते हैं और इसे क्लीन चेहरे में लगाते हैं। तो चेहरा वॉश कर लीजिए, अगर आप चाहिए तो आप ब्रश से लगा सकती हैं, या अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल यूजिंग योर हैंड यू यूज योर हैंड, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल यूजिंग माई हैंड। तो हम आप लोगों को हाथ से लगा के बता रहे हैं, इस तरह से अपने क्लीन चेहरे में लगाइए। आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा स्किन अभी जस्ट वॉश किया, स्टिल लिटिल बिट वेट। एंड बेसन जो है ना वो हमारे स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करता है और टाइटनेस लाता है हमारी स्किन में। एंड टमाटर में एक नेचुरल एंजाइम होता है लाइकोपिन, जो हमारे स्किन के इवननेस को मेंटेन करता है। अगर आईज के नीचे डार्क सर्कल है या थोड़ी सी अनइवन हो जाती है, कहीं स्किन डार्क हो जाती है, कहीं लाइट हो जाती है, यू नो, तो ये सबको हमारे टोमेटो रिमूव करता है। एंड कर्ड इज अ नेचुरल ग्लो देता है, एंड टर्मरिक के बेनिफिट्स तो न्यूमरस है। हमारे स्किन में जितने इन्फेक्शन है उसे किल करता है, उसे कंट्रोल करता है, एंड हमारी स्किन को भी लाइट करता है थोड़ी सी। तो ये देखिए इस तरह से लगा दीजिए, या आईज के नीचे नहीं लगाइए, बिकॉज आईज के नीचे हमारी स्किन बहुत थिन होती है, तो उसके अभी अवॉइड कीजिए। एंड इस तरह से इसे लगा करके पूरे नेक में इस तरह से लगा लीजिए, ये हटा देते हैं, या एंड जो हाथ में बची है ना वो यूं हाथ लगा लीजिए। दिस इज द रीजन आई यूज माई हैंड, बिकॉज देयर नथिंग इज वेस्टेड, या। और ये जो बची हुई है ना फेस पैक, इसे आप लोग बंद करके ना फ्रिज में डाल दीजिए, इस तरह से बंद करके फ्रिज में डाल दीजिए। और जब भी आपको लगाना हो ना तो आप इसे फिर फ्रिज से निकालिए और लगाइए। लेकिन हाँ, जब नेक्स्ट टाइम आप इसे लगा रही है ना तो यूज ए स्पून, ओ बंद हो गया है, या जब नेक्स्ट टाइम आप लगा रही है ना तो यूज ए स्पून टू टेक आउट, बिकॉज हैंड इज सोर्स ऑफ ऑल इन्फेक्शंस। तो इट इज बेटर कि अगर आप स्पून से निकाल कर लगाइएगा तो आपका पैक जो रिमेनिंग पैक जो बचेगा वो खराब नहीं होगा। एंड यूज करने के बाद अगेन इसे बंद करके फ्रिज में डाल दीजिए, एंड यू कैन यूज इट फॉर मेनी डेज। आप ज्यादा बना के रख सकती हैं अगर आपको टाइम नहीं मिलता है एवरीडे फेस पैक बनाने का, या तो इस तरह से फ्रिज में रख करके यूज कीजिए। तो इसे रखना है करीब 8 to 10 minutes, सो दैट ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए, एब्सोल्युटली ड्राई नहीं करना है, थोड़ी सी ड्राई हो जाए, हम लगे कि स्किन टाइट हो गया है एंड थोड़ी सी ड्राई हो गई है, तो उसके बाद हम लोगों को वॉश करना है। तो आप लोगों से मिलते हैं आफ्टर आई फील कि इट इज ड्राई, एंड उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। करीब 15 मिनट हो गए हैं, इसे ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज इसमें टमाटर है। तो ये देखिए हल्का सा आप लोगों को लग रहा होगा ना वेट है, बट आई फील इट इज ड्राई नाउ। दिस इज द टाइम जब इसे हम लोग को पानी से स्प्लैश करके थोड़ी सी मसाज करना है। तो हम आप लोगों को यहीं पे दिखा रहे हैं, ये बॉटल में हम पानी भरे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि हम कैमरे को बाथरूम में लेकर जाए एंड कैमरा स्टैंड में कहीं सेट करें एंड देन स्प्लैश करें वाटर। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि ये स्प्रे बॉटल में हम पानी भर ले हैं और हम स्प्रे करके दिखा रहे हैं। आप लोग अपने बाथरूम में जाकर के स्प्लैश कीजिएगा। तो इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से करना है।
या थोड़ी हाथ में भी ले लेते हैं बिकॉज हाथ भी वेट होना चाहिए या एंड नाउ इसे आपको बहुत हल्के हाथों से मसाज करना है। जितने लाइट हाथों से आप मसाज करेंगे ना वो उतना अच्छा है। आईज के नीचे अब कीजिए बहुत हल्के से बिकॉज आईज के नीचे फिर स्किन को भी लाइट करना है और जब हम लोग फेस पैक लगाते हैं तो आंख के नीचे नहीं लगाते बिकॉज हमारी स्किन वहां की थिन होती है। तो इस तरह से अभी के समय जब हम लोग मसाज करते हैं ना हल्के से आंख के नीचे मसाज कीजिए, नहीं तो आईज के नीचे की स्किन हमारी कंपैरेटिवली डार्कर रहेगी। एंड देन आप लोग इतना सारा पैसा खर्च करें टू बाय क्रीम टू लाइटन अंडर आई स्किन, तो देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं ये टमाटर के फेस पैक से आपकी पूरी इंटायर चेहरे की टैनिंग हटेगी एंड इवन आपके आईज के नीचे जो थोड़ी सी डार्क कंपैरेटिवली डार्कर रहती है ना वो लाइट हो जाएगी। हल्के हाथों से करना इस तरह से। आई थिंक दिस इज डन। नाउ अब हम जाते हैं वॉशरूम एंड स्प्लैश करते हैं एंड देन फिर आप लोगों से मिलते हैं। नाउ देखिए वॉश कर लीजिए। नाउ लुक एट द स्किन, इट इज लुकिंग सो नाइस सो सॉफ्ट, ये है ना कितना अच्छा लग रहा है। नाउ यू आर डन। इसके बाद आप रेगुलर मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, जो भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं वो लगा लीजिए। मेरा एलोवेरा जेल है तो दिस मच आई एम टेकिंग एंड इसे थोड़ी सी आप अपने चेहरे पे मसाज कर लीजिए, लगा लीजिए। आप जो भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं आप वो लगाइए एंड यू कैन फील द डिफरेंस इन स्किन। एंड सिर्फ थोड़ी सी हम लोग मसाज करते हैं ना तो काइंड ऑफ लाइक एक्सफोलिएशन भी हो जाता है हमारे स्किन में, तो इससे एज ए रिजल्ट हमारी स्किन सॉफ्ट भी हो जाता है। एंड आईज के अंडर एंड अबव आईज लगाना बिकॉज हम लोग थोड़ी सी मसाज किए थे इस तरह से। या सो नाउ कैन यू सी द शाइन एंड ग्लो, आप लोग खुद फील होगा जब आप लोग मॉइस्चराइजर लगाएंगे ना आफ्टर यू आर डन विद द फेस पैक, तो यू विल फील योर स्किन टू बी सॉफ्ट एंड नाइस। या लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंज्यूम वन रॉ टोमेटो एवरी डे। सुपरफिशियल एप्लीकेशन से हम लोगों को एक्सटर्नल प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम टैनिंग, लेकिन अगर आप एक रॉ टोमेटो खाएंगे ना इन फॉर्म ऑफ सैलड और वॉट एवर, इट विल गिव न्यूट्रिशन फ्रॉम विद इन विच विल हम लोगों की स्किन को डबल प्रोटेक्शन देगा फ्रॉम गेटिंग टैन। अंदर से न्यूट्रिशन मिलेगा एंड ऊपर से हम लोग फेस पैक लगाते हैं तो सुपरफिशियल प्रोटेक्शन मिलता है, तो डबल प्रोटेक्शन वी आवर बॉडी गेट्स, तो हमारे स्किन फिर टैन नहीं होता है। तो ये डेफिनेटली एक रॉ टोमेटो खाइए इन फॉर्म ऑफ सैलड, आप सॉल्ट डाल लीजिए, लेमन जूस डाल लीजिए, वॉट एवर। अगर आप एक टोमेटो नहीं खा सकती हैं तो कोई बात नहीं है, आप हाफ लंच में खाइए, हाफ डिनर खाइए, डिनर में खाइए। या तो या है ना बहुत सिंपल फेस पैक जो हमारी टैनिंग को इतनी एक्सट्रीम समर में प्रोटेक्ट करता है। नाउ आफ्टर ये फेस पैक अप्लाई करने के बाद एंड इफ यू कंज्यूम वन टोमेटो एवरी डे इन फॉर्म ऑफ सैलड रॉ टोमेटो, आप बिंदास धूप में जाइए, बाहर जाइए, कुछ नहीं होगा, आपकी स्किन फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड दोनों तरफ से प्रोटेक्टेड है एंड बहुत ही सिंपल आपकी स्किन को शाइन ग्लो एंड टैन से प्रोटेक्ट करेगा। या सो दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। नाउ लुक एट शाइन एंड ग्लो टू द स्किन। मसाज करने से सर्कुलेशन बढ़ता है, माइल्ड एक्सफोलिएशन होता है, डेड सेल्स निकल जाते हैं, एज ए रिजल्ट स्किन हम लोगों का स्मूथ, यंग, डेलिकेट और ब्राइट एंड शाइनी हो जाता है। सिंपल रेमेडी है, ज़रूर कीजिए एंड मेक योर स्किन सॉफ्ट, शाइनी एंड टैन फ्री।